हाँ बेटे, कौन क्या नाम आपका? आस्था। कौन सा स्कूल है? डीएवी। कौन सा? एसएल सूर्य। एसएल सूर्य जनकपुर। आपका बेटे? सुमेरमल जैन पब्लिक स्कूल। कौन सा? सुमेरमल जैन पब्लिक। सुमेरमल जैन जनकपुरी। हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटे। वाइफ क्या प्रैक्टिकल में क्या की हो? टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन तो करना ही करना, तो सिर्फ है ही। ठीक है, वो ये बताइए टाइट्रेशन क्या होता है बेटे? टाइट्रेशन बेसिकली प्रोसेस होता है जिससे हम चेक करते हैं स्ट्रेंथ। किस टाइप का प्रोसेस है ये? ऑक्सीजन रिडक्शन एडॉक्स क्या है? एडॉक्स रिडॉक्स टाइट्रेशन है। ठीक है, कौन सा टाइट्रेशन की हो? ऑक्सैलिक एसिड और केमेनोफोर। ऑक्सैलिक एसिड और केमेनोफोर। क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला? CO2H2O. का रिलेवेंस क्या है? क्रिस्टल फॉर्म दिखाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ, वेरी गुड। ठीक है अच्छा की हो। और बताओ क्या कहते हैं कि उसमें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी? मोलैलिटी इज ग्राम्स पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाइल मोलैरिटी इज ग्राम्स। मोलैलिटी इज बोलो नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, एंड मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। स्ट्रेंथ और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है आप बताइए? डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैलिटी आज था बोलो। मोलैलिटी क्या है? मोल्स पर लीटर। स्ट्रेंथ क्या होता है? ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इज ग्राम। केमेनोफोर का कलर कैसा होता है? वायलेट कलर होता है, डार्क पिंक वायलेट कलर होता है। अब बताओ। डार्क पर्पल होता है। ठीक है, क्यों होता है केमेनोफोर का कलर पर्पल? इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की वजह से। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज क्या जी? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, वेरी गुड। और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल में और क्या की हो? कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट की हो। बताओ टेस्ट बताओ। एक तो इसमें होता है लिटमस टेस्ट होता है, जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्लू लिटमस डालते हैं, उससे कलर चेंज होता है, तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और कोई टेस्ट दूसरा आप बताओ? कोई टेस्ट होता है बताओ सोडियम। चैप्टर कौन सा याद किया आप लोग बताइए? कोई चैप्टर थ्योरी का बढ़िया केमिकल काइनेटिक्स। आप बेटे सरफेस केमिस्ट्री। सभी बच्चे सरफेस केमिस्ट्री बोल रहे हैं, थ्योरिकल चैप्टर है ना। चल केमिकल काइनेटिक्स आप बताओ बेटे। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ रेट लॉ, एंड मॉलिक्युलरिटी इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आप सरफेस केमिस्ट्री याद किए बेटे। बताइए फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन बताओ। एक्स वाई एम इक्वल टू के पी पावर वन बाई एन। चलो डिफरेंस बिटवीन बताइए, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर एडजॉर्प्शन। हाँ एडजॉर्प्शन के अंदर बॉन्ड्स वीक बॉन्ड होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, रिवर्सिबल होता है, वो रिवर्सिबल होता है, नो कंपाउंड फॉर्म, केमिकल कंपाउंड फॉर्म, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। बेटे याद रटो एकदम पूरा समझ करके, नंबर लाओगे आप लोग, नंबर चाहिए। ठीक है, और बताओ जहाँ पूछा प्रैक्टिकल आपका प्रोजेक्ट किस पर बेटे? प्रोजेक्ट दिखाइए किस पर आपका? कहाँ बेटे फाइल जमा कर दिए? क्या बेटे किस पर कहिए? कौन सा ये तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फैटी एसिड। ओके, इन सोप। सोप क्या होता है बेटे? सोप, व्हाट इज सोप? अच्छा सोप के अंदर देखो ना, जैसे कह रहे एक लॉन्ग, ये लॉन्ग चेन है, हाइड्रोफोबिक। इसका रिलेवेंस क्या है? मिसल फॉर्मेशन का क्या रिलेवेंस है? बेसिकली कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो डस्ट पार्टिकल के साथ वो वाटर के साथ रहता है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो डस्ट पार्टिकल का अटैच होता है, और फिर वाटर के थ्रू वो डस्ट पार्टिकल्स को मारने जाते हैं। चलो ठीक है, तैयारी वालों की बढ़िया, थोड़ी और रेक्टिफाई कीजिए इसको। ठीक है, स्पेशली थ्योरी में जो चैप्टर करो, जितना सिलेबस में आना है उतना पोर्शन बार बार पढ़िए, डाउट हो तो उसको आप लोग डिस्कस करिए। ठीक है, चलो बेटे थैंक यू। ठीक, क्या नाम बेटे आपका? वंश बत्रा। कौन सा स्कूल बेटे आपका? मीरा मॉडल जनकपुरी। वहाँ के बच्चे काफ़ी कर पड़े वैसे। अच्छा बताओ कौन सा प्रोजेक्ट किस पे किए बेटे? टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर। इन विनेगर, देखो ऐसा कि बेटे ना प्रोजेक्ट थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटरी होना चाहिए। ठीक है, हाँ बना रखे, वेरी गुड, बढ़िया बनाए हो। ये तुम्हारा खुद का फोटो है ये? यस सर। लैब में, वेरी गुड वेरी गुड यार। ठीक है,
अच्छा ठीक है, तो बढ़िया बनाया आपको, बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, इस पर प्रैक्टिकल कौन से किए हो? प्रैक्टिकल सॉल्ट एनालिसिस किया और हाइड्रेशन भी करी हुई। सॉल्ट एनालिसिस में कोई सुनाओगे कैटायन एनायन का, किसी का टेस्ट, कन्फर्मिटी टेस्ट? तो मैं जिंक एसिडेट का बता देता हूँ। बताओ। पहले हम डेल्यू टेस्ट रिपोर्ट डालेंगे। हाँ। उसके अंदर हमारे पास कोई भी गैस इवॉल्व नहीं हो रही और कोई भी पीपीटी फॉर्म नहीं हो रही है, तो उसके अंदर से कार्बोनेट, सल्फाइड एंड सल्फेट एंड नाइट्रेट कौन सा है एसिड रेडिकल? हाँ, एसीटेट आयन। उसको एसिडिक रेडिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जब सॉल्ट नहीं, जब सॉल्ट फॉर्म होता है तो वो पार्ट एसिड से आता है। ओके। और जो कैटायन वाला पार्ट है कहाँ से आता है? वो बेस से आता है। ओके। इसमें हम कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल ये NaOH प्लस HCl बना NaCl, तो NaCl का Na प्लस पार्ट कहाँ से आ रहा है? बेस से। तुम्हारा बेसिक रेडिकल हो गया। CMS कहाँ से आ रहा है? एसिड से, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, एनायन मीन्स एसिडिक रेडिकल बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम एसिड। कैटायन मीन्स क्या? बेसिक रेडिकल, दैट कम्स फ्रॉम बेस ड्यूरिंग सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा सॉल्ट से उसमें क्या करते हैं? टाइट्रेशन में कौन सा किए बेटे? टाइट्रेशन के अंदर दोनों कर रखी हैं। दोनों कर रखे हो। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बताओगे? नहीं, फॉर्मूला नहीं पता है। ओके, आपको बेटे? सर टाइट्रेशन करेगा। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ। ऑक्सैलिक एसिड। मोहर सॉल्ट का? मोहर सॉल्ट नहीं, मोहर सॉल्ट है ना FeSO4 NH4 twice SO4 into 6 moles of water, it is kind of double salt. डबल सॉल्ट क्या होता है? जो दो सॉल्ट से दो सॉल्ट से मिलके बना। ठीक है, एंड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू इट्स आयन, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। हाँ, बस ठीक है। हाँ, अदरवाइज वो क्या होगा? कंप्रेस होगा। ठीक है, कलर आता है। कौन सा कलर आता है? लाइट पिंक। कलर क्यों आता है? एंड पॉइंट पे। हाँ, एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट वो है जब सॉल्यूशन द सिचुएशन वेयर रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीट। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट किसकी वजह से आता है? जब वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, तो कलर किसका होता है? केमेनोफोर किस होता है? तो दैट्स ए केमेनोफोर इज सेल्फ इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर्स के अंदर। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ रिडॉक्साइडेशन। क्लियर है? बताओ भाई, इसमें इसके अंदर कौन ऑक्साइड और कौन रिलीज हो रहा है? इसके अंदर केमेनोफोर है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी गुड। जो रिलीज हो रहा है, किस में रिलीज हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, केमेनोफोर चेंजेस टू Mn2 प्लस और मोहर सॉल्ट Fe2 प्लस चेंजेस टू Fe3 प्लस। ठीक है, केमेनोफोर में Mn का ऑक्सीजन नंबर कितना है? +7, फिर चेंजेस टू +7 to +2 और उसमें भी उसका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक, क्लियर। चलो अब बताइए, इसके बाद जो है हम व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? केमेनो, हाँ वेरी गुड, जिसका कंसर्न में क्या हो बताओ। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन केमेनोफोर और ऑक्सैलिक एसिड में कौन सा है? जब टाइट्रेशन कर रहे हो, फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन केमेनोफोर है क्या ऑक्सैलिक एसिड है? पक्का 100% लॉक किया जाए ना? क्या लिखते हो? टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/50 ऑक्सैलिक एसिड, मीन्स हमें उसका कंसंट्रेशन पता है, दैट्स व्हाट इज। ठीक है, कोई चैप्टर बताओ बेटे जो थ्योरी में याद कर रखे आप लोग। वैसे आपका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। हाँ बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप कहीं से पूछ दें? चलो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद है बेटे आपको। बताओ व्हाट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन? कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है? बड़े चौक लेना जरा। पूनम, पूनम मैडम, व्हाट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डायलूशन बिकॉज कंडक्टिविटी जो होता है इट इज मेजर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस ड्यू टू प्रेजेंट यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होता है? घटता जाएगा। बट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
वीक एंड स्ट्रांग बोथ इंक्रीजेस, वीक इंक्रीजे रैपिडली और स्ट्रांग क्या होता है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि स्ट्रांग कम्प्लीटली क्या होता है डिसोसिएट हो जाते हैं, है ठीक है। चलो बढ़िया तैयारी कर, थोड़ी सी और मेहनत करिए आप, ठीक है, और 100 मार्क्स के लिए फाइट करिए। चलो बेटे, थैंक यू, थैंक यू सर, ओके बेटे।